बॉलीवुड फिल्मों में हमने कई बार लड़की को लड़के को डिच करते हुए देखा है और फिल्मों में ये एक ट्रेंड के जैसा है। बॉलीवुड की किसी न किसी मूवी में लड़की लड़के का बैंड बजाकर चली जाती है, जिसके बाद लड़का या तो तेरे नाम का राधे भैया बन जाता है, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही मुझसे, या फिर शादी में जरूर आना का IAS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सत्येंद्र मिश्रा। हम गुस्सा नहीं है, हम नफरत करते हैं आपसे। जिसके बाद वो लड़की से बदला भी लेता है। मार चोक दिए भैया जी आप तो। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि तब क्या होगा जब कोई लड़का बॉलीवुड मूवीज में लड़की को डिच कर दे? तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा, तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी। बॉलीवुड फिल्मों में काफी कम ही ऐसे मोमेंट्स देखे गए हैं जिसमें लड़के ने लड़की को डिच किया हो, लेकिन बॉलीवुड की कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिसमें लड़का उस लड़की से काफी ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता है जिसे वो पसंद करता था। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही बॉलीवुड कैरेक्टर्स के बारे में जिन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए था क्योंकि वो बेहतर के हकदार थे। क्या बात कर रहे हैं? और ये मेरी अंजनी है। रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी लड़की भाईजान की नहीं हो पाती है और उनका काट कर चले जाती है। वेरी गुड। और ये साबित हुआ था कुछ कुछ होता है और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में। कुछ कुछ होता है मूवी में अमन यानी सलमान खान की एंट्री बड़े ही जोरों शोरों से होती है, वहीं दूसरी ओर लड़की पहले से किसी और से प्यार करती है, गजब बेइज्जती है, जिसके बाद अमन उस लड़की को किसी और के हाथों में सौंप देता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगर अमन पहले अंजलि को रिजेक्ट कर देता तो बेचारे को कम से कम वो दिन देखने को नहीं मिलता। मैं तो इतना हैंडसम है कि मुझे कोई भी मिल सकती है। और शायद इसी इंसिडेंट के बाद अमन और बॉलीवुड के दबंग खान ने कभी ना शादी करने का फैसला किया होगा। अभी कितनी आ गए, सोई हुई लड़की को पसंद कर लिया। तनु बॉलीवुड के इन कैरेक्टर्स में से एक है जो अपनी खुशी के लिए दूसरों की माँ बहने करने में बिलीव करते हैं, और ऐसे ही कुछ उसने इस फिल्म में मनु के साथ किया था। अबे ये। लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती मनु की भी थी जो उसने उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लिया, और उसने ये गलती एक बार नहीं बल्कि दो बार की। उसको किस्मत ने दत्तों के रूप में एक और चांस दिया था, पर इस बंदे ने तनु के लिए वो भी ठुकरा दिया। माना कि वो बेहतर लड़की डिजर्व करता था, लेकिन किस्मत उसे ये बार बार मौका नहीं देगी। ये भी ठीक है, तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए, टिकट लगनी चाहिए तुम्हें देखने के लिए। हाय हाय क्या बात है। आदित्य बॉलीवुड का वो बंदा है जो उस लड़की के प्यार में पड़ गया जो दिमाग की वाट लगाने में बिलीव करती थी। जस्ट Imagine. और जिसकी बक बक सुनने के बाद कान में से खून निकलना शुरू हो जाया करता था। लेकिन वही है ना, कुछ लोगों को चिकन नहीं बल्कि घास खाना पसंद होता है। उल्लू बनाते हो? और ऐसे ही कुछ किया था आदित्य ने भी, क्योंकि उसने उस लड़की को चूज किया था जिसने उसे किसी और लड़के के लिए छोड़ दिया था। और अगर आदित्य ने गीत को उसकी ट्रेन पकड़ने में हेल्प ना की होती तो उनकी लव स्टोरी कभी पटरी पर नहीं आती, और आदित्य की लाइफ में शायद गीत से भी बेटर लड़की होती। डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। आर्मी में जाकर कुछ कर दिखाना करण का लक्ष्य मूवी में लक्ष्य बन गया था, और उसके इस रास्ते पर चलने के लिए रोमी ने उसको डिच कर दिया था, और इसने ऑडियंस को काफी ज्यादा हिट किया था। जहां पर इंडियन वुमेन अपने लव वंस के लिए कुछ भी कर गुजर जाती हैं और उनके आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, वहीं इस फिल्म में रोमी ने बिल्कुल ही उल्टा किया। उसने करण को डिच कर दिया था ताकि वो आगे बढ़ सके, और इस वजह से ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि करण रोमी से एक अच्छी लड़की डिजर्व करता था। क्या बात कर रहा है? असल तुम इतनी खूबसूरत हो कि शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी वाइफ का उसके लवर के साथ पैचअप करवाएगा? इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। हमने तो ये नहीं सुना है, लेकिन अगर आपने ये देखा और सुना है तो हमें कॉमेंट्स में इसके बारे में जरूर बताना। वनराज के प्रोटेक्टिव और केयरिंग नेचर को देखने के बाद ये साफ कहा जा सकता है कि वो नंदिनी से बेहतर लड़की डिजर्व करता था, लेकिन भाई नंदिनी भी बहुत तेज निकली और उसने भी वनराज के इसी नेचर की वजह से समीर को डिच कर दिया। और यहाँ पर फिर एक बार सलमान खान का कट गया था क्योंकि उसे पता लग गया था कि वनराज चूतिया है, मेरे सिर पे दर्द है, और वो जो कहेगी वो सब वो जरूर करेगा। बताओ आप क्या बचपन से रामजी टाइप से? काटना और कटाना ये तो बॉलीवुड में चलता ही रहता है, और ये एक बार फिर हमें देखने को मिला था फिल्म मनमर्जिया में, जहां पर रोमी ने विकी के लिए रॉबी का अच्छे से काटा था। मुझे शादी नहीं करनी। पता था She's not my girlfriend. तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। I'll see you, bye bye. रोहित मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या हो रहा है? इससे पूछो। अमन के लॉजिक कल हो ना हो ने बेचारे रोहित को उस लड़की के प्यार में डाल दिया था जिसे खुद नहीं पता था कि वो प्यार किससे करती है, अमन से या रोहित से। लेकिन इतना तो पक्का है कि रोहित के लाइफ में नैना से भी एक अच्छी लड़की हो सकती थी, पर जब नैना को देखने के बाद रोहित यानी सैफ अली खान का निकला
उसी टाइम पर ऑडियंस समझ गई थी कि इसका कटने वाला है। तो ये थे बॉलीवुड के कुछ वो बेचारे कैरेक्टर्स जो कि बेटर लड़की डिजर्व करते थे। आपका इस लिस्ट के बारे में क्या सोचना है बताएं हमें कमेंट्स में, और साथ ही कुछ उन कैरेक्टर्स के बारे में भी बताएं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय। ट्रस्ट की बात तुम तो मुझसे मत ही करो। मेल्स तुम्हारी अकाउंट में मिली है नेहा, तुमने मुझे बोला।